तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये देखिए, रात के 12 बजने वाले हैं, 7 अप्रैल शुरू होने वाला है और मैं अपनी बहन का केक कर रही हूँ रेडी। ये पेस्ट्री वगैरह लेके आए थे बच्चे मासी को सरप्राइज़ देने के लिए। तो अभी बस कुछ ही देर में उसके रूम में हम लोग जाएंगे, वो हमारे पास आई हुई है। तो अच्छा लगता ना ऐसे सरप्राइज़ वगैरह देना। तो अभी बस थोड़ी ही देर में हम लोग जाने वाले हैं उसके रूम में। और ये वीडियो मैं क्या कहते हैं 7 अप्रैल को नहीं डाल पाऊँगी, ये मैं 8 तक पोस्ट कर दूँगी। तो ये बस अभी मैं जा रही हूँ उसके रूम में। ये मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हैं देख के मौसी को सरप्राइज़ देने के लिए। तो ये देखिए अभी जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने वॉइस बंद कर दी थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने सॉन्ग लगा दिया था, तो आपको पता है कॉपीराइट आने का पूरा फुल चांस रहते हैं, तो इसलिए मैंने दूसरी आवाज़। देखिए मैंने बिल्कुल ही आवाज़ बंद कर दी। आवाज़ तो बहुत आ रही है बच्चों की, उसके हस्बैंड की, ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या करूं, फुल हर तरफ से सॉन्ग चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने फ़ोन की आवाज़ बंद कर दी। जो नेचुरल आवाज़ है ये मैंने अपनी दूसरी वॉइस डाली। तो ये मेरी बहन के हस्बैंड खिला रहे हैं उसको केक, पहली बार जब से उसकी शादी हुई है, क्योंकि कभी उसके साथ रहे नहीं है उसके बर्थडे पे। तो आज फर्स्ट बार उसके साथ 6 साल में पहली बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और रात को 12 बजे हम लोगों ने उसको सरप्राइज़ दिया और उसको बहुत अच्छा लगा। बेचारी सो गई थी क्योंकि उसको 10 बजे के बाद होश नहीं रहता, जल्दी सो जाती है। तो वही बोल रही है कि कल की क्या प्लानिंग है, आपने कहा वो बाद में डिसाइड करते हैं। बार बार तो क्योंकि डिनर भी लेट हो गया था ना, तो फिर खाया नहीं जा रहा, बाद में मॉर्निंग में देखेंगे। और मॉर्निंग में होगी बहुत जबरदस्त पार्टी, देखते हैं कहाँ खाना खिलाने ले जाती है हमें। थैंक यू हम बाहर खाना खाने जाएंगे कल, ठीक है, होटल पे, लेकिन देखेंगे, पक्का डिसाइड नहीं है जाना है या नहीं जाना है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे के लिए। थैंक यू, हमेशा ऐसे खुश रहो, भगवान आपको पूरी। और मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे। चलो अभी आप हस्बैंड वाइफ एंजॉय करो और हम लोग भी जा रहे हैं सोने के लिए। तो बाकी की वीडियो हम कल शूट करेंगे, तब तक के लिए अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। बाकी की कल, टाइम कितना हो गया, 12:15। तो ये देखिए मेरी सिस्टर हो रही है रेडी घर वापस जाने के लिए, और हम लोग भी इसी के साथ चलेंगे। ये मेरे को बोल रही है तू भी चल हमारे साथ ही, फिर दूसरे दिन वापस आ जाना। कर रही हूँ कर रही हूँ मैं अपने सूट को तुरपाई कर रही हूँ। ये कम से कम 3-4 हफ्तों से मेरे सूट सिल के आए हुए हैं, तो बाहर का टेलर हो तो वो तुरपाई करके देता है। ये हमारा टेलर है मेरी सिस्टर, तो मैंने उसको बोला था चल तू सिल दे, तुरपाई मैं खुद कर लूंगी, लेकिन मेरे को मौका नहीं लगा करने का, आज मैं कर रही हूँ। और आप सबको जैसे कि पता ही है कि रात को हमने वीडियो शुरू कर दी थी ब्लॉग शुरू करना, मेरी बहन का आज बर्थडे 7 अप्रैल है, आज उसका बर्थडे है, बहुत शुभ दिन है, लेकिन बर्थडे है सारा काम उसी ने किया घर का। तो अभी वो हमें देगी पार्टी, तो पार्टी के लिए हमने ना रेडी, सभी हो चुके हैं रेडी, बस मैं रह गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या ड्रेस पहनूं और कौन सा ड्रेस पहनूं, मैं बहुत गरीब हो गई हूँ, मेरे पास ड्रेस नहीं है पार्टी में जाने के लिए। अभी मैं तुरपाई कर रही हूँ कि ये पहन के जाऊं, तो देखती हूँ कौन सा ड्रेस पहन के जाती हूँ, है ना। ये वाला मुन्ना अच्छा लगेगा, क्या बता क्या बता, फिर भी देख ठीक है सूट, ठीक ही है चल ठीक है, थोड़ा सा गला रह गया, बाजू रह गया, तुरपाई करके फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, ठीक है। ठीक लग रही है ना, गर्मियों में ऐसे ठीक लगती है ना। चलो
आ जाओ जल्दी से। तो ये देखिए मुन्ने को, मुन्ना और उसके मौसा जी आ रहे हैं बुलेट पे और हम दोनों बहनें जा रही हैं गाड़ी में, क्योंकि उनको अपनी बाइक भी तो लेके जानी थी। तो हम लोग कल वापस आ जाएंगे अपनी कार में और वो लोग बुलेट पे चले जाएंगे ससुराल। हम जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर। तो ये देखो हमारी गाय का बछड़ा बोल रहा है। तो मैं घर से जो साड़ी पहन के आई थी वही पहन के जा रही हूँ मैं। दिखाने कैसी लग रही है? वेरी नाइस। तो ये देखिए मैं साड़ी पहन के ही जा रही हूँ, मेरा मन नहीं किया कोई भी दूसरा ड्रेस पहनने का, ये इसी में अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए रेस्टोरेंट पे आके हमने खाना कर दिया शुरू। तो स्टेटस वगैरह बच्चों ने खा लिए बहुत सारे, फिर हमने खाना शुरू कर दिया। तो जिसका जो मन था उसने वही मंगवाया। तो ये रहा यहाँ का पनीर टिक्का और इसकी चटनी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये देखो मेरी सिस्टर बात कर रही है और ये हम लोग तंदूरी नान खा रहे हैं। और ज़्यादा हैवी हमने कुछ ज़्यादा खाना नहीं ऑर्डर किया क्योंकि दोपहर को भी बहुत हैवी खाना हो चुका था, लेकिन जो भी हमने मंगवाया बहुत टेस्टी था। तंदूरी चिकन, फिर क्या क्या लेमन चिकन, और भैया भाभी और मुन्ना प्योर वेजिटेरियन हैं क्योंकि भैया भाभी ने बंद किया हुआ चिकन वगैरह कुछ नहीं, तो उनके लिए सेपरेट अलग से खाना बनवाया प्योर वेज। और हमने चेक भी किया प्रॉपर तरीके से ऑयल वगैरह सब कुछ, और बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया। और वहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो ये बहुत ज़्यादा साउंड था इसलिए मैंने आवाज़ कट कर दी थी दूसरी, और भगवान करे मेरी भगवान हमेशा ऐसे ही खुश रहे। और पिछले साल की उसकी वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी है, डाउन टाउन लेके गई थी हमें, वो उसकी मैरिज एनिवर्सरी की थी और बर्थडे हम तीनों ने सेलिब्रेट किया था। तो डिनर करने के बाद में अभी हम निकल चुके हैं घर की तरफ, अभी हम जा रहे हैं वापस। तो हम जा रहे हैं मेरे मायके, वहीं पर ही रात काट गुजारेंगे। हम लोग डिनर करके आ गए घर में, अभी ड्रेस वेस कर लिए चेंज, और मेरी अभी सिस्टर ने करना ड्रेस चेंज, ये देखो करना चेंज। मुन्ना ड्रेस फेंक के चला गया था चारपाई पे, इस साइड फेंकी उसने शर्ट, इस साइड फेंक दी पैंट। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था, टेस्टी खाना था ना, बहुत अच्छा खाना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। खास करके सैलड भी बहुत पसंद आया मुझे उसका, चटनी जो दी ना वाह, बहुत चटपटी थी, कमाल की चटनी थी, बहुत टेस्टी लगी मुझे। पनीर टिक्का जो दिया ना उसके साथ चटनी जो दी थी वो टेस्टी लगी मुझे, अच्छा था, वेरी नाइस। और हम लोग पहले गए सांझे चूल्हे पे, हमारे इधर बगल में ही है रेस्टोरेंट, उसमें गए तो उसका मेन्यू बच्चों को पसंद नहीं आया, फिर हम दूसरे में गए जिसमें हमेशा जाते हैं, तो वहाँ सभी संतुष्ट हो गए, अच्छा खाना था। तो